अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेसन नंबर 11 शुरू करेंगे कि मास मीडिया का क्या रोल था 1988 टू 1999 में। तो 1985 में क्या हुआ था, नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे, वो कि मार्शल लॉ वर हेल्ड टू लाइफ मार्शल लॉ, और मोहम्मद खान जनीचो जो के थे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। जो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या हुआ था, माइकल गोरबाचोव के उन्हें वो पावर में आया, और फिर उन्होंने कम्युनिज्म जो सिस्टम था वो कहते थे ये इतना पावरफुल नहीं है, उन्होंने सिस्टम को अमेंड किया। ही डिक्लेयर्ड कम्युनिज्म इज़ नो मोर अ नेशनल मूवमेंट, और उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म एक अब नेशनल मूवमेंट नहीं रही, बिकॉज द इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिज्म इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर USSR टू सपोर्ट स्मॉलर कम्युनिस्ट। क्योंकि वो कहते थे कि जो इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिज्म है वो इसका जो कम्युनिज्म का इंटरनेशनल कैरेक्टर है, वो कहते थे कि इसमें ये है कि USSR को ज़रूरी था कि ऑब्लिगेटरी था कि वो स्मॉलर जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उनको सपोर्ट करे, और वो एक बर्डन था USSR पे। सो ही डिसाइडेड टू विदड्रॉ दैट, तो उसने इसको ख़त्म करने का कहा। अकॉर्डिंग टू द जिनीविया एग्रीमेंट ही डिसाइडेड टू विदड्रॉ रशियन फोर्सेज, उन्होंने जिनीविया एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने रशियन फोर्सेज को विदड्रॉ करने का कहा फ्रॉम अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि रशियन फोर्सेज के तुम लोग अफगानिस्तान से आ जाओ। इन 1989 ऑल रशियन फोर्सेज वर विदड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान। 1989 में सारी रशियन फोर्सेज अफगानिस्तान से आ गई थी। अच्छा, अब तो USSR में अपने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक और USSR जो कि 15 सोवियत रिपब्लिक से बना था, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, करगिस्तान, लटविया, लिथुआनिया, मोल्डोविया, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ये मैंने साइट पे लिखी है डेफिनेशन, नेट से निकाल के लिखी ऑब्वियसली। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। फिर इसी तरह इसी दौरान जो कि जनरल ज़िया ने डिसमिस कर दिया मोहम्मद खान जनीचो को, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके थे 1985 में, लेकिन उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया कि और कहने लगे कि जी हमारे इस्लाम में पार्टी सिस्टम नहीं है, तो और ये पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल भी नहीं है, तो आपको मैं डिसमिस कर रहा हूँ। 1988 में जनरल ज़िया का प्लेन क्रैश हो गया, C-13 जो प्लेन का नाम था, भावलपुर में क्रैश हुआ, ये MCQs आ जाता है। एंड अ केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो बन गई, द केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया PPO, प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस को उन्होंने रिप्लेस किया विद RPPO। किसके साथ रिप्लेस किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के साथ। हाउएवर, अच्छा, जब PPO को जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया RPPO से, ये आपको जो है ना इसकी एब्रिवेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी MCQ आता है। तो जो असेंबलीज के सामने जो न्यू असेंबलीज बनी थी, इस ऑर्डिनेंस को नहीं रखा गया, वॉज नॉट अप्रूवल के लिए, एंड इट अल्टीमेटली क्वैश, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया। लेकिन जो केयरटेकर की गवर्नमेंट में ये PPO का डिक्लाइन हुआ, और फिर साथ ही साथ जो थे ना न्यू न्यूज़पेपर्स जो थे उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया, और फिर इससे जर्नलिज्म को बूस्टअप हुआ जर्नलिज्म। फिर न्यू एक ट्रेंड शुरू हुआ किसका, इवनिंग न्यूज़पेपर्स का। इवनिंग न्यूज़पेपर जो थे वो कराची में ज़्यादा कॉमन थे, बट लेकिन वो फिर लाहौर और इस्लामाबाद में भी प्रिंट होने लग गए। ये एक पॉजिटिव स्टार्ट था किसका, जर्नलिज्म का। लेकिन फिर मैनी क्रिटिक्स सेड दैट दे स्टार्टेड अ फिक्शन ट्रेंड, इन्होंने फिक्शन ट्रेंड शुरू किया, एंड येलो जर्नलिज्म वॉज स्टार्टेड टू प्रैक्टिस। हाउएवर न्यूज़पेपर रिफ्यूटेड दिस ब्लेम, न्यूज़पेपर ने इस ब्लेम को रिफ्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया। फ्रॉम 1988 टू 1996 डिफरेंट गवर्नमेंट्स वर फॉर्म, डिफरेंट गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी पाकिस्तान में, बट ऑल द टाइम जिस हर प्रेजिडेंट ने जो थी वो असेंबली से डिसॉल्व कर देता था। फिर 1996 में इलेक्शन हुआ, किसका, मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उनको, और फिर गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड इन ऑल प्रोविंसेस, और फिर नेशनल असेंबली भी बनी। 1988 में नवाज शरीफ का कॉन्फ्लिक्ट हो गया जंग ग्रुप के साथ, नवाज शरीफ ने कहा कि 23 जर्नलिस्ट को जो है डिसमिस कर दे जंग ग्रुप, लेकिन जंग ग्रुप ने इसको अपोज किया और नवाज शरीफ की पॉलिसी को अपोज किया, और जंग ग्रुप में ऐसा करने से मना कर दिया कि हम अपने जर्नलिस्ट नहीं निकालेंगे। अगेन इस स्टेप के ख़िलाफ़ जर्नलिस्ट ने मूवमेंट लॉन्च की, और उसको कहा कि ये एक अटैक है फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, कॉल्ड इट एन अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस।
आफ्टर दिस स्टेप, इस स्टेप के बाद काफ़ी जनरल ग्रुप था जर्नलिस्ट का, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट को जो है ना गवर्नमेंट से जो प्रिविलेज है उनको लेना स्टॉप कर देना चाहिए, जो भी जैसे कहते हैं ना लिफाफे लेना मना शुरू बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रलिटी ऑफ जर्नलिस्ट के ऊपर अफेक्ट करता है, और फिर जर्नलिस्ट जो होता है ना वो एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करता है या एक सब्जेक्ट के ख़िलाफ़ बात करता है, जब वो पैसे ले लेता है तो ऑब्वियसली बात है, एंड ऑब्जेक्टिव राइटिंग ऑफ जर्नलिस्ट बिकम सब्जेक्टिव। और इस तरह क्या हुआ कि जो जर्नलिस्ट जो भी लिखते थे वो सही लिखते थे। इन 1998 में क्या हुआ, इंडिया ने टेस्ट किया अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को, और बड़ी कोई सख्त एग्रेसिव पॉलिसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अडॉप्ट की। पाकिस्तान ने उनको रिप्लाई किया एग्रेसिव पॉलिसी के साथ, उन्होंने अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया। किस डेट को? 28 मई 1998 को, ये भी आपको डेट्स याद होनी चाहिए। और इस इवेंट में क्या हुआ था, सारे न्यूज़पेपर्स ने गवर्नमेंट का साथ दिया इस स्टैंड पे, और लोगों को बताया दैट पाकिस्तान अब न्यूज़ पे सुपर पावर्स की रेस में अब आगे आ गया है, और पाकिस्तान के लिए अब न्यू ओपनिंग्स होंगी, अब पाकिस्तान इंडिया से डरेगा नहीं और बाकी दुनिया भी उनसे डर के रहेगी, उनको कोई ये नहीं समझेगा कि कुछ भी कर दो आकर। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर यू लाइक माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट एज वेल, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।